हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं इस समय मेरे गार्डन में अभी तो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फिर भी कुछ विंटर के प्लांट्स खिल रहे हैं और कुछ विंटर के प्लांट मैंने ऐड किए हैं। तो अपनी विंटर की प्रिपरेशन आपको दिखाते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले आपको गार्डन का एक लुक दिखा देती हूँ, जिससे कि आप देख लीजिए किस तरह से मैंने गार्डन को अरेंज किया हुआ है। तो फुल व्यू मेरे गार्डन का कुछ इस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है। और जितने भी आप प्लांट की हाइट देख रहे थे, जो पीछे लगे हुए थे परमानेंट प्लांट, तो वो सब मैंने कट कर दिए हैं, क्योंकि अब इनका सीजन है कट करने का। क्योंकि इसमें इस समय सारे प्लांट स्लो हो जाते हैं, इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। कॉसमॉस के प्लांट लगे हुए हैं, तो ये सब मैंने सैपलिंग लगाई लाई थी, तो वही मैंने लगाई हुई है। और जो अभी सीड डाले थे तो वो भी अभी ग्रो हो रहे हैं अच्छे से, तो थोड़े बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। ये रेड पॉपी का सीडलिंग की थी मैंने, और अभी भी मेरी कहते कि गुल मेहंदी खिल रही है, तो कुछ प्लांट गुल मेहंदी के लगे हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से नौरंगा के फ्लावर खिल रहे हैं, इसे ग्लाडिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो अभी भी इसकी फ्लावरिंग चल रही है, और ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट आप समझ सकते हैं, ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, हमेशा फ्लावरिंग करता है। आपके समर में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, ये विंटर में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और इधर भी आप देख सकते हैं, जो कि मेरे प्लांट की बहुत अच्छी खासी हाइट थी, जितने भी परमानेंट प्लांट थे, तो सबकी मैंने कटिंग कर दी, क्योंकि ये सीजन होता है, इस समय आप कटिंग कर दीजिए। और जैसे जनवरी का टाइम ख़त्म होता है, फरवरी जैसे ही स्टार्ट होती है, सब में नई नई बर्ड्स आ जाएंगी। और कटिंग करने से क्या होता है, जो इनका स्टेम होता है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, तो ये अच्छे से हाइट गेन करेगा, फ्लावरिंग भी अच्छी सी करेगा। तो आप देख सकते हैं मैं जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मैंने कट कर दिए हैं, तो उनकी हाइट पूरी वॉल तक जा रही थी, अब पूरी वॉल आपको क्लियर दिख रही होगी। और इधर मेरे क्रिसेंथम के भी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, पर इतनी अच्छे से नहीं, क्योंकि अभी पूरी कलियां बाकी हैं खिलने को, तो कुछ कुछ ही फ्लावर खिले हुए हैं, जैसे कि ये पिंक वाला खिल गया है। तो अब इसको कायदे से मुझे स्टिक लगा के बांधना है, तो मैं बांध नहीं पाई। और इधर मैंने कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट लगा रखे हैं, तो चलिए एक व्यू आपको देती जाती हूँ, नाम भी बताती जाती हूँ। तो ये मैंने सामने फ्रंट में पिटूनिया लगा रखी, आप देख सकते हैं ये नए पॉट जो मैं लाई थी, मैंने इसका भी व्यू दिया था। नॉस्टिशियम का भी मैंने इधर एक पॉट तैयार कर दिया है, ये फिर से कॉस्मॉस के प्लांट आ गए हैं। इस प्लांटर में मैंने स्वीट विलियम की लगाई है, छोटी सी प्लांटर, तो अभी थोड़े टाइम लेगा बड़ा होने में। और इस पॉट में लगी हुई है बर्बीना की ढेर सारी सैपलिंग, तो ये भी हेल्दी हो गए, अब इनको पॉट देना बनता है। और ये आ गए गजेनिया, तो धूप लगती है तभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, क्योंकि कल तो बहुत ही धुंध थी, तो बिल्कुल मौसम डाउन था। आज थोड़ी सी धूप निकली है, तो मैंने कहा चलिए आज आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन का व्यू। तो ये होता है जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं वो बता देते हैं कटिंग का टाइम होता है इनका। तो आप देख सकते हैं येलो येलो लीव हो रही है, तो ये लीव नेचुरल है, क्योंकि आप इनका सीजन ओवर हो रहा है, पुरानी हो चुकी हैं, तो ये सब लीव छोड़ते जा रहे हैं। पर अभी भी इनमें कलियां हैं, इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया है, फ्लावरिंग दे रहा है। और ये दूसरा गुड़हल आ गया, तो बस ये जब फ्लावर छोटे होने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनका कटिंग का टाइम आ गया है। और इधर भी क्रिसेंथम के प्लांट आ जाते हैं, और साथ में गजेनिया भी खिली हुई है, तो अभी अच्छे से नहीं खिल रहे हैं, आप देख सकते हैं कलियों से भरा हुआ है पर अच्छे से अभी खिले नहीं हैं, और कुछ फ्लावर खिले हुए हैं। और ये भी अभी कलियों से पूरा भरा हुआ है, तो बस खिलने का टाइम बाकी है अभी, तो काफ़ी टाइम लेट हो चुकी है। और पीछे भी आप देख सकते हैं गुल मेहंदी खिली हुई है पिंक शेड की, तो गुल मेहंदी ग्लाडिया ये सब ऐसे होती हैं कि आप एक बार लगा लेंगे तो उनके सीड मिट्टी में ही सेफ हो जाती हैं। और ये देखिए गजेनिया बहुत ही खूबसूरती से खिला हुआ है, और ये पिंक शेड का, तो ये चारों शेड मैंने आपसे शेयर किए थे। और ये डायंथस आ गए हैं, और इधर मैंने ये लगा रखे हैं कैलेंडुला, तो अभी भी इनमें कलियाँ आई हैं पर इन्हें खिलना बाकी है। तो मौसम जितना अच्छा होता जाएगा, जितनी तेज़ धूप मिलती जाएगी, मौसम ठंडा विंटर की, तो ये फ्लावरिंग उतनी तेज़ी से होगी। तो विंटर में थोड़े से प्लांट स्लो हो जाते हैं जब, तो ये सारे पॉट मैंने इधर पूरा क्रिसेंथम का जोन बना के रखा है,
तो अभी अच्छे से नहीं खिली हैं, बट खिलने वाली हैं, तो कुछ दिन और लगेंगे इनको खिलने में। तो इसका भी मैं फुल व्यू दूंगी। तो आप ये सारे प्लांट देख सकते हैं, ये सब मैंने कटिंग के थ्रू बनाए, क्योंकि मैं हमेशा इनको सेफ रखती हूँ। और अगर आपने भी इस समय सारे प्लांट खरीदे हैं क्रिसेंथम के, तो आप सेव करिए और नेक्स्ट सीजन में आपको बहुत अच्छे से आप कटिंग बनाएगी, क्योंकि ये बहुत इजी टू ग्रो होती हैं, आराम से कटिंग से लग जाती हैं। और ढेर सारे प्लांट आप बना सकते हैं, क्योंकि जितनी बार हम इन्हें खरीदते हैं उतनी बार हम पैसे बर्बाद करते हैं। तो इससे अच्छा अगर आप इन्हें एक बार ख़रीद लीजिए और सेफ रखिए, तो ये काफ़ी सालों तक चलती रहती हैं। मेरी तो ऐसे ही कितने सालों से ये चल रही हैं, तो अभी तक मैंने अभी परचेज़ नहीं करी है इनको, यही सारे शेड मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। हाँ, कुछ शेड मुझसे मिस हो गए हैं, पर मैं ट्राई करूँगी कि मिल जाए, क्योंकि हर समय वो शेड नहीं मिलते हैं मार्केट में, तो आपके पास एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाता है, इसलिए हमेशा बचा के रखिए। और पीछे भी आप देख सकते हैं, ये बड़े से पॉट में मैंने लगा रखी हैं। तो ये सारी कटिंग से मैंने ग्रो करी हैं और अभी भी खिलने को बाक़ी है, तो टाइम ले रही हैं थोड़ा सा क्रिसेंथम, क्योंकि मौसम का अफेक्ट पड़ता है। और अगर जितनी अच्छी इनको तेज़ धूप मिलेगी, उतनी ही जल्दी फ्लावरिंग पे आएंगी। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी बटरफ्लाई बैठी है ब्लू शेड की, और ये एक बार फिर से बैठी थी तो उड़ गई थी, तो अभी फिर से बैठ गई है आके। तो मैंने कहा आपको ये व्यू दिखाती हूँ। तो खूब बटरफ्लाई आती है जब आप फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, और खूब हनी भी टहलती रहती हैं मेरे गार्डन में। तो बिल्कुल क्लोजअप इसका लुक देती हूँ। मैंने सीडलिंग भी की थी, तो वो भी बहुत अच्छे से हो गई है। तो ये सारे एस्टर के आप देख सकते हैं प्लांट निकले हुए हैं, और ये निकले हैं कोरियोफिस के, इसके भी बहुत ही प्यारे से फ्लावर होते हैं येलो शेड के। और ये आ गई रेड पॉपी फिर से, भी आप देख सकते हैं जब भी मैंने सीडलिंग की हुई थी, तो ये है डॉग फ्लावर की सीडलिंग। तो थोड़े बड़े बड़े प्लांट हो गए, पर थोड़े और बड़े होंगे तभी मैं रिपॉट करूँगी इनको। तो इस पॉट में भी आप देख सकते हैं कि सारी सैपलिंग बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर नॉस्ट्रिशियम लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं गोल गोल से पत्ते होते हैं, बहुत ही सुंदर से फ्लावर आते हैं इसके अंदर। और ये मैंने स्वीट विलियम भी इसके अंदर लगा दिया, क्योंकि जगह नहीं थी पॉट में, तो मैंने इसके अंदर लगा दिया है। और ये गजीनिया के भी खूब सारे प्लांट मैंने इसी पॉट में लगा दिए हैं, तो सब अच्छे से हेल्दी हो गई है सैपलिंग, और बिल्कुल रेडी है कि मैं इनको अब पॉट दे दूँ। तो अब मैं धीरे धीरे करके सबको शिफ्ट कर दूँगी। और ये इसके अंदर निकल आया है एस्टर का प्लांट, तो मैंने पिछले साल इसमें एस्टर के प्लांट लगाए थे, तो उसमें बीज रह गया होगा, तो ये एस्टर निकल आया है, तो सबको मैं पॉट दे दूंगी। और इधर भी मेरी ये सैपलिंग पूरी अच्छे से तैयार है, देख सकते हैं आप, ये डेजी के प्लांट हैं, कुछ इसमें आइस प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं हमेशा सैपलिंग से लगाती हूँ, और सैपलिंग कभी भी मेरी ज़्यादा नहीं मरती है, और सारे के सारे प्लांट जिंदा रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है किस तरह से आप सैपलिंग लगाएं और कैसे इनकी केयर करें, जैसे कि आपके सारे प्लांट अच्छे से सेफ रहें। क्योंकि जब हम 10 रुपये में लाते हैं, तो सारे प्लांट जब बच जाते हैं, तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हमारे चलो बेनिफिट हो गया, 10 रुपीज़ में मैंने इतने सारे प्लांट परचेज कर लिए। तो ये सारे प्लांट जितने भी हैं अब बिल्कुल रेडी हैं पॉट में लगाने के लिए। तो धीरे धीरे मैं अरेंज करती जा रही हूँ पॉट के लिए भी इनको। और ये देख सकते हैं, ये भी कहते कि मैं सैपलिंग लगाई थी मैंने, इसके अंदर कॉर्न फ्लावर है, इसके भी बहुत सुंदर से फ्लावर होते हैं। तो ये भी बिल्कुल रेडी है सैपलिंग, कुछ प्लांट ही ख़त्म हुए हैं, बाकी प्लांट बचे हैं, तो थोड़े बहुत मरते हैं, लेकिन ये कि मोस्टली मेरे प्लांट जिंदा रहते हैं सैपलिंग के। और ये कैलेंडुला की भी सैपलिंग मैंने इस पॉट में लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छी सी ग्रो कर गई है। तो इसको भी मैंने कुछ प्लांट निकाल के दूसरा पॉट दे दिया है, और इसमें से भी और प्लांट निकालने हैं। इस तरह से कुछ गार्डन का व्यू आ रहा है, और फ्लावर जब खिलने लगते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब थोड़ा टाइम लेगा मेरा गार्डन फ्लावरिंग पे, तो उसका भी मैं फुल व्यू आपको दिखाती जाऊंगी अपने गार्डन का। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।